काव्य गोष्ठी के अध्यक्ष आदरणीय श्री सांड जी हमारे बहुत पुराने 1988 से पहली मुलाकात हुई थी। आज मैं बनारस में इनको सक्रिय देखता हूँ, मंचों पे बहुत अच्छा लगता है। शेखर मिश्रा जी, चकाचक बनारसी जी, बहुत से लोग मेरे, श्री कृष्ण तिवारी जी, इन सबका साथ रहा है। और ये बनारस कविता साहित्य संगीत और कला का ऐसा क्षेत्र रहा है। भैया इधर अब थोड़ा ध्यान दो। साहित्य कला संगीत का क्षेत्र रहा है और बनारस किसी का मोहताज नहीं कविता में, साहित्य में। मैं सबको प्रणाम करता हूँ जो हमारे साथी चले गए। ये सफ़र ज़िंदगी भर चलता रहता है, जश्न बहार है। मैं चाहता हूँ कि प्रकृति पे कविताएं कम हो रही हैं। मैं दो छंद बसंत पे सुनाता हूँ। मेरे उस बात फारूक भाई हैं, मेरे तमाम लोग हैं, और कुछ जिसके लिए उन्होंने फरमाइश की उसके कुछ अंश सुनाता हूँ। थोड़े से लोग हैं, फिर कभी भीड़ होगी तो, लेकिन है कि आज जितने लोग हैं सुनने वाले समझने वाले हैं। और आपने स्नेह से बुलाया मुंतजिम जी ने, मेरे मित्रों ने जी भाई। नीम का पत्ता झड़ता है, बसंत का आगमन शुरू हो जाता है, बात ही शुरू होती है। कुछ क्लासिकल छंद सुनिएगा। नीम से पत्र लगे झरने तो लगा, प्रिय का कोई पत्र मिला है। नीम से पत्र लगे झरने तो लगा, प्रिय का कोई पत्र मिला है। मधमाती दिशाएं सुगंध लिए, इनको वन फूलों से इत्र मिला है। मधमाती दिशाएं सुगंध लिए, इनको वन फूलों से इत्र मिला है। कि गीत किसी को किसी को अगीत, मुझे प्रिय का यह चित्र मिला है। अभिनय संप्रेषण है जिसमें, मेरे काव्य को ऐसा चरित्र मिला है। अभिनय संप्रेषण है जिसमें, मेरे काव्य को ऐसा चरित्र मिला है। और ये कविता का चरित्र मिलता है तो कवि किसी विधा का मोहताज नहीं रहता है। वो सारा आकाश, सारा साहित्य उसके लिए है। ये चरित्र मिलता है तो बसंत आ रहा है। हम प्रेम की बात करते हैं, माहौल दूसरा है, लेकिन मैं एक कामना करता हूँ, सुनिएगा। कि हम प्रेम अपने, खास तौर से अपने पूर्वजों को, कि हम प्रेम पुराण के आखर हैं, अखबार की बात किया न करो। कि हम प्रेम पुराण के आखर हैं, अखबार की बात किया न करो। रस रंग सुगंध की बात करो, तलवार की बात किया न करो। ये रस रंग सुगंध की बात करो, तलवार की बात किया न करो। कि हम प्रेम की नाव है तैरने दो, मझधार की बात किया न करो। प्रिय संत वसंत के आंगन में, पतझर की बात किया न करो। 81 साल के हो गए, मैं इनको समझ के कहता हूँ कि प्रिय संत वसंत के आंगन में, पतझर की बात किया न करो। कभी लोग कहते हैं कुछ मशहूर हो जाते हैं, कुछ गुमनाम हो जाते हैं, लेकिन जो मशहूर होता है उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। मैं कहा दो छंद बड़े क्लासिकल और पढ़ता हूँ और महाकवि तुलसी को याद करता हूँ। सुनिएगा इस छंद को क्या होता है, सुनिएगा। पतझर की बात किया न करो, तुलसी कहीं आते हैं कि मंजूर न था विधना को प्रिय, हम तेरे सुवंक से दूर हुए। कि मंजूर न था विधना को प्रिय, हम तेरे सुवंक से दूर हुए। और दूर हुए जब तेरे सुवंक से, हाय बड़े मगरूर हुए। एक बड़े कवि इसको मुक्तक में पढ़ते हैं, सब लोग जानते हैं, मेरी किताब में छपा है। कि मंजूर न था विधना को प्रिय, हम तेरे सुवंक से दूर हुए। दूर हुए जब तेरे सुवंक से, हाय बड़े मगरूर हुए। ये मगरूर हुए तो झुके ही नहीं, हम टूट गए और चूर हुए। चूर हुए तो रची कविता, बदनाम हुए मशहूर हुए। चूर हुए तो रची कविता, बदनाम हुए मशहूर हुए। और मशहूर हुए तो ऐसे वैसे नहीं हुए। अब कुछ बड़ा नाम लेता हूँ अपने पूर्वजों का। ये मशहूर हुए, ये मशहूर हुए तो कबीर हुए, तुलसी दल के हम सूर हुए। मशहूर हुए तो कबीर हुए, तुलसी दल के हम सूर हुए। और सूर हुए तब देखा अनंत को, कृष्ण की आंखों के नूर हुए। ये सूर हुए तब देखा अनंत को, कृष्ण की आंखों के नूर हुए। ये नूर हुए तब दूर किया, सुकरात हुए
कहानियों पे, तब वाहिद से मशहूर हुए, मंसूर हुए, चढ़े सूलियों पे, तब वाहिद से मशहूर हुए और मशहूर हुए। तो हमारा संदेश जाना चाहिए, मैं बनारस बैठा हूँ, आओ नया कलाम लिखे से मैं दो शेर पढ़ता हूँ और क्रम से कुछ बातें करते हुए विराम लेता हूँ, सुनिएगा। जिसके लिए कविता खासतौर से उन्होंने कहा है, काली बजरंग बली जो पहली बार जाता हूँ मैं पढ़ता हूँ, ये सुनिएगा। इसमें कहीं सुबह बनारस आता है मैं, चाहे NRC हो, शाहीन बाग हो या उसके प्रतिक्रिया में हो रहा है, मैं एक अपील करना चाहता हूँ, सुनिएगा सुनिएगा। कि कोई अर्थ निकल आएगा, शब्द शब्द अभिराम लिखो, सुंदर शब्द बात को खत्म कर देता है। कोई अर्थ निकल आएगा, शब्द शब्द अभिराम लिखो, सुबह बनारस मैं लिखता हूँ, तुम भी अवध की शाम लिखो। सुबह बनारस मैं लिखता हूँ, तुम भी अवध की शाम लिखो। और नफरत के इस दावानल में जल जाने से बेहतर है, नफरत के इस दावानल में जल जाने से बेहतर है, गंगा जमुना की स्याही से आओ नया कलाम लिखो। ये गंगा जमुना की स्याही से आओ नया कलाम लिखो। और आखिरी शेर, ये मन की काली दीवारों पर श्वेत रंग चढ़ जाने दो, मन की काली दीवारों पर श्वेत रंग चढ़ जाने दो, कलम से इस पे नूर मोहम्मद नानक सीताराम लिखो। कलम से इस पे नूर मोहम्मद नानक सीताराम लिखो। कोई अर्थ निकलवाएगा, शब्द शब्द अभिराम लिखो। और ये दो शेर में महात्मा गांधी को याद करता हूँ। गांधी की हत्या शुरू हो गई है, जब हिंसा कोई बात को बंदूक से हल करने की कोशिश हो, खासतौर से एक अपने भारतीय लोकतंत्र में, तो मैं समझता हूँ, मैं गांधी को याद करता हूँ, दो मुक्तक पढ़ता हूँ, ये थोड़ा ओझ में है, सुनिएगा। कि कुछ चेहरों कह ले अर्थव्यवस्था खराब हो गई है, लेकिन मैं एक संकेत देता हूँ। कुछ चेहरों पर गहरी लाली, निर्धन का सम्मान नहीं। कुछ चेहरों पर गहरी लाली, निर्धन का सम्मान नहीं। सूखे मुरझाए बच्चों के चेहरों पर मुस्कान नहीं। सूखे मुरझाए बच्चों के चेहरों पर मुस्कान नहीं। कि जाति धर्म मजहब की लाठी, जाति धर्म मजहब की लाठी, सत्य अहिंसा को पीटे, गांधी बाबा के सपनों का दिखता हिंदुस्तान नहीं। गांधी बाबा के सपनों का जिंदा हिंदुस्तान नहीं। ऐसे में कवि को साफ बात कहनी चाहिए कि गांधी या गोडसे। मैं एक मुक्तक पढ़ता हूँ, ये बड़ा मुक्तक है, थोड़े से लोग हैं, लेकिन संदेश है। हिंदुस्तान नहीं, गांधी बाबा के सपनों का जिंदा हिंदुस्तान नहीं। कि वैसे तो अपनी कविता पर है मुझको अभिमान नहीं, वैसे तो अपनी कविता पर है मुझको अभिमान नहीं, लेकिन कोई मुझे खरीदे ये बिल्कुल आसान नहीं। लेकिन कोई मुझे खरीदे ये बिल्कुल आसान नहीं। कि बोटी बोटी कट जाए या भले भूख से मर जाऊं, मैं गांधी के हत्यारे का कर सकता जयगान नहीं। मैं गांधी के हत्यारे का कर सकता जयगान नहीं। कुछ चेहरों पर गहरी लाली, निर्धन का सम्मान नहीं। बसंत पंचमी, गांधी जयंती आसपास थी, मैंने अपनी भाव प्रकट किए। आइएगा, जिस कविता के लिए तमाम बातें होती हैं, धारा 370 राम पे, ये दोनों कविताएं मेरी वायरल हैं, मैं
उसका एक शेर पढ़ता हूँ कि दोस्ती दोस्ती जैसे होती है, उसमें केवल एक रूपक यह है कि शूल लेकर तुम खड़े हो पाखुरी के सामने, शूल लेकर तुम खड़े हो पाखुरी के सामने, और चाहते हो हम गला रख दें छुरी के सामने, चाहते हो हम गला रख दें छुरी के सामने, तो फिर भला अब दोस्ती की बात तुमसे क्या करें, रख दी है तलवार तुमने बांसुरी के सामने, रख दी है तलवार तुमने बांसुरी के सामने। और जो जवाब दिया जा सकता है कि मिठक लेता हूं कि मैं चुप हूं तो समझो मेरा मौन बोलता है, मैं चुप हूं तो समझो मेरा मौन बोलता है, और बोलने से पहले 100 बार तोलता है। और जहां कोई शिशुपाल शब्द की मर्यादा तोड़े वहां बांसुरी मौन हुई फिर चक्र डोलता है, जहां कोई शिशुपाल शब्द की मर्यादा तोड़े वहां बांसुरी मौन हुई फिर चक्र डोलता है, चक्र डोलता है। और ओज के लिए भाई हम आपको आमतौर से लोग याद करते हैं, लेकिन मैं 4 शेर केवल ओज के पढ़ता हूँ जो वायरल है और तमाम कवि लोग पढ़ते हैं, मेरे मित्र लोग सुनिएगा, इसको पढ़ता हूँ। कोई चीज को बहुत ज्यादा अगर आप उसको खींचेंगे तो टूट जाती है, बहुत नरम हो जाएंगे तभी बात नहीं बनती है। शेर यूं कहता हूं कि कब तक बोझ संभाला जाए, द्वंद कहां तक पाला जाए, कब तक बोझ संभाला जाए, द्वंद कहां तक पाला जाए, दूध छीन बच्चों के मुंह से क्यों नागों को पाला जाए, दूध छीन बच्चों के मुख से क्यों नागों को पाला जाए, और दोनों ओर लिखा हो भारत सिक्का वही उछाला जाए, दोनों ओर लिखा हो भारत सिक्का वही उछाला जाए, और तू भी है राणा का वंशज फेंक जहां तक भाला जाए, कि तू भी है राणा का वंशज, कि तू भी है राणा का। विश्वविद्यालय में करीब 5-6 साल से लगातार कविता पढ़ता हूँ, और बहुत दिनों के बाद साड़ी जी मुझसे मिले हैं, आप सब मिले हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूँ, अपने भाव प्रकट करता हूँ कि तू भी है राणा का वंशज फेंक जहां तक भाला जाए, और इस बिगड़ैल पड़ोसी को तो फिर शीशे में ढाला जाए, इस बिगड़ैल पड़ोसी को तो फिर शीशे में ढाला जाए, और जो हो गया अब उस वक्त इसका है, आने वाले समय का है कि फिर शीशे में ढाला जाए, कि तेरे मेरे दिल पर ताला राम करें ये ताला जाए, तेरे मेरे दिल पर ताला राम करें ये ताला जाए, वाहिद के घर दीप जले तो मंदिर तक उजियाला जाए, वाहिद के घर दीप जले तो मंदिर तक उजियाला जाए, दोनों ओर लिखा हो भारत सिक्का वही उछाला जाए, जरूरत तो उसकी है। आइएगा आखिर में, थोड़े लोग हैं हमारे, 2-3 मित्रों को पढ़ना है, लेकिन जो कविता मेरी पहचान है हमारे इन्होंने सुना है, मैं उसके 2 छंद पढ़ता हूँ, और ये ताकत आपके अंदर है। एक शासक बनता है वो सबका होता है, वो शासक बड़ी मेहनत से बनता है, सर्वोच्च कुर्सी पे जाता है, लेकिन उसको इंसानियत रखनी चाहिए, इस बात होती है। छंद सुनिएगा, सिंहावलोकन के छंद सुनिएगा कि पूजा करो या नमाज पढ़ो तुम नेक बनो इंसान बनो, पूजा करो या नमाज पढ़ो तुम नेक बनो इंसान बनो, इंसान बनो जग जीत चलो तुम राम बनो रहमान बनो, इंसान बनो जग जीत चलो तुम राम बनो रहमान बनो, कि रहमान बनो तो रमो रब में वह कर्म करो कि महान बनो, जो महान बनो तो समुद्र झुके तुम वीर बलि हनुमान बनो, जो महान बनो तो समुद्र झुके तुम वीर बलि हनुमान बनो। ओए बनने के लिए दिल बड़ा करना है कि जेठ की धूप में चैन मिले बरसे जो मोहब्बत की बदली, कि जेठ की धूप में चैन मिले बरसे जो मोहब्बत की बदली, बदली बरसे जब राम गली खुश होके चले रमजान अली, कि बदली बरसे जब राम गली खुश होके चले रमजान अली, रमजान अली नौ रात्रि जगे अफतार कराते
जाते हैं राम बली, तब वाहिद बोलत मौला अली बजरंग बली बजरंग बली। मियां वाहिद बोलत मौला अली बजरंग बली बजरंग बली। तीसरा केंद्रीय छंद, इस बनारस को याद करता हूँ, उस्ताद बिस्मिल्लाह को याद करता हूँ। सुनिएगा, जिन्होंने संगीत उन्होंने एक मंदिर के प्रांगण में सीखा, छंद लगिएगा। देश विभिन्नताओं का देश, कैसे कैसे लोग, कैसी कैसी जातियां, धर्म विशेष अलग अलग, सुनिएगा। मियां वाहिद बोलते मौला अली, ये संगीत सुरों को मिला के बना, कोई ढोल बजाए कोई ढपली। ये संगीत सुरों को मिला के बना, कोई ढोल बजाए कोई ढपली। बिस्मिल्लाह कहो शहनाई बजे, हर बीन पे नागिन है मचली, मृदु बीन पे नागिन है मचली। इस सद्भाव के ताल में ताल मिला, फिर याद रही बस प्रेम गली। तब बोलत मौला अली बजरंग बली बजरंग बली। मियां वाहिद बोलत मौला अली, ये भाव होना चाहिए, इससे देश चलता है, समाज चलता है। मैं सर्वोच्च कुर्सी को दो शेर पढ़ता हूँ, उनका एक चिट्ठी भी मेरे पास है, जब मैंने कविता लिखी भेजी गई थी, लेकिन आज भी उस बात को मैं कहता हूँ। अच्छे दिन हमारे आस पास भी हैं, जिनको अच्छे दिन की तरह आना चाहिए। चार शेर पढ़ के विराम लेता हूँ कि अच्छे दिन का ये मतलब हो चेहरों पर मुस्कान रहे, अच्छे दिन का ये मतलब हो चेहरों पर मुस्कान रहे, मेहनत कश लोगों के घर में शक्कर गेहूं धान रहे। मेहनत कश लोगों के घर में शक्कर गेहूं धान रहे, और संध्या वंदन भजन आरती और अजाने, संध्या वंदन भजन आरती और अजाने रह जाएं गांधी बाबा के सपनों का जिंदा हिंदुस्तान। संध्या वंदन भजन आरती और अजाने बनी रहे गांधी बाबा के सपनों का जिंदा हिंदुस्तान रहे। और आज की बात जो तमाम आते हैं इस शेर में आ गया हो तो आपका मन चाहता हूँ कि मुस्कान रहे मुस्कान रहे, अच्छे दिन का ये मतलब हो चेहरों पर मुस्कान रहे। कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तानी की पहचान जरूरी है, कोई मना नहीं करता है, होना चाहिए। हिंदी हिंदू हिंदुस्तानी की पहचान जरूरी है, लेकिन गंगा की धारा में जमुना का सम्मान रहे, लेकिन गंगा की धारा में जमुना का सम्मान रहे। अपनी भाषा के लिए उड़िया बंगला तमिल मराठी गुजराती उर्दू बहने, उड़िया बंगला तमिल मराठी गुजराती उर्दू बहने, हिंदी की बिंदी से इनकी भारत में पहचान, हिंदी की बिंदी से इनकी भारत में पहचान रहे। और आइए फिर उसी बात पर समापन करता हूँ कि पहचान रहे अच्छे दिन का ये मतलब हो चेहरों पर मुस्कान रहे। और ये शेर की मैं भूल गया, इसको छोड़िए। मुस्कान रहे और ये कि जाति धर्म भाषा मजहब की उठी ध्वजाएं झुकी रहें, जाति धर्म भाषा मजहब की उठी ध्वजाएं झुकी रहे, लाल किले पे रहे तिरंगा भारत का जयगान रहे, लाल किले पर रहे तिरंगा भारत का जयगान रहे, अच्छे दिन का ये मतलब हो चेहरों पर मुस्कान रहे, गांधी बाबा के सपनों का जिंदा हिंदुस्तान। बहुत